वेलकम लिटरेसी मैं हूँ आपके दोस्त सो so, आज का दिन अगर आप एंड स्पेशली फॉर द ऑप्शन बायर्स बिकॉज क्योंकि जब मार्केट ने यह गैप फिल किया एंड मार्केट डाउन साइड में कॉन्टीन्यूशन देख रहा था आप हमेशा याद रखना कभी भी मार्केट इस तरीके से इतना चोपी होके रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल इस टाइप का परफॉर्मेंस जब भी, भी करता है उस टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड हो रही होती है दोनों साइड कैसेल जा रहे होते हैं एंड इस सेम केस पर ऑप्शन बायर की कभी आ, जो है यहाँ पे इतना बड़े वाले जो प्रॉफिट के लिए बैठे होते हैं उनका कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं होता हाँ स्केल्पिंग आप यहाँ पे कर सकते हो कुछ पॉइंट्स के लिए फाइव पॉइंट्स टेन पॉइंट्स के लिए हर कैंडल पर और मेनली इस टाइम पर जो पैसा पैसा है वो ऑप्शन सेलर्स का बनता है सो so, आज का दिन अगर आप एज अ ऑप्शन बायर देखो सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था बहुत ही ज़्यादा सीखने का दिन था आज के दिन से जो बड़े टारगेट लेने के लिए बैठे थे कि एक्सपायरी है मूव आएगा क्योंकि मेरी कॉन्वर्जेशन हुई लाइव मार्केट के टाइम पे बहुत सारे लोगों से तो सब इसी चीज़ के लिए पोजिशन लेके बैठे थे मार्केट यहाँ पे आ गया मार्केट सपोर्ट पे आ गया आप गैप फिलिंग कर रहा है उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आएगा एंड दैट्स वाई इतना सब कुछ सुनने के बाद और इतनी सारे डिस्कशन के बाद सबके साथ मैंने लास्ट में डाला भी कि नाइनटीन फोर हंड्रेड भी मेनटेन है और रिवर्सल भी नहीं आया ठीक है कि नाइनटीन फोर हंड्रेड के नीचे जो है अब ज़्यादा गिरावट आएगी या रिवर्सल भी नहीं या रिवर्सल आएगा मार्केट अपना डे हाई टच करेगा ठीक है दोनों चीज़ें नहीं हुई और मार्केट बिल्कुल रेंज में रही है और ऑप्शन बायर्स इसमें ट्रैप्ड हुए क्योंकि ऑब्वियसली दोनों साइड के प्रीमियम्स में इंक्रीमेंट नहीं आया दोनों साइड दो बजे के बाद आराम से गिरे हैं ठीक है सो दैट वॉज अ वेरी ग्रेट एंड वेरी लर्निंग डे अगर आप आज के दिन से सीखते हो ये दिन हमें वही बताता है कि मार्केट चाहे किसी डायरेक्शन में जाए इफ़ यू आर विद्यो uh, सेटअप्स अगर आप अपने सेटअप परफॉर्म करते हैं तो आपको मार्केट चांस देता है प्रॉफिटेबल भी बनाता है ठीक है आपको अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबल बना के लेकिन अगर आप दोबारा से रीट्रेड करते हो उन सारी चीज़ों में तो आपके वहाँ पर लॉसेज होते हैं अगर आप बिना सेटअप्स ट्रेडिंग करते हो तो आपके लॉसेज होते हैं दैट्स वाई अगेन मैंशन कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग इज द बेस्ट इफ़ यू आर द बिगनर एंड बेसिकली इन्हीं सारे सिस्टमेटिक्स ट्रेडिंग के लिए हमारा ई ग्रुप है ठीक है अब तो कोर्स भी लॉन्च कर दिया ओवरऑल पैक जिसको भी चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा पब्लिक चैनल पर बट लेट मी गो एंड डिस्कस द सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल सो so, uh, सबसे पहले तो कल के एनालिसिस का ट्रेड एंड उसके बाद हमारा सेटअप का ट्रेड कल के एनालिसिस में अगर आपने नहीं देखा ना तो जाके देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इस रेंज के ऊपर डायरेक्ट बाइंग करेंगे जब भी हमें पुल बैक मिल जाएगा तब ठीक है बिना पुल बैक हम एंट्री भी नहीं करने वाले हैं हमें पुल बैक मिला इनसाइड कैंडल के साथ इनसाइड कैंडल या फिर ऑपोजिट कलर कैंडल हमारा पुल बैक होता है मार्केट ने जब स्टार्टिंग में ये एक हैमर कैंडल दिया तो इसी कैंडल पर भी आप एंट्री कर सकते थे बट ये कैंडल थोड़ा सा रिस्की था उसके बाद हमें यहाँ पर एक पुल बैक मिलता ही हाँ एंट्री होती है ये सेम ट्रेड हमारा यूडी में हुआ लेट मी शो यू द प्रूफ योर यहाँ पर हमारे पूरे मार्ग थे यहाँ पे फिर लेवल्स थे उसके बाद यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कि हम यहाँ पर एंट्री लेने वाले हैं यहाँ पे टारगेट भी दिए गए और उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा रन दिया अपसाइड में ये तो स्पॉट रन था लेकिन जो प्रीमियम्स है उसमें वन इज टू फाइव वन इज टू तो सिक्स बहुत ईजी लिया है उसके बाद ने क्या किया मार्केट ने इनसाइड कैंडल दी बट मार्केट ने इसका कॉन्टिन्यूएशन नहीं दिया कभी भी इस तरीके के रन में ऑलवेज़ रिमेंबर लास्ट डे अगर इस तरीके से रन दे गया है नेक्स्ट डे भी अगर रन कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद अगर इस टाइम पर एक जगह जाके आपको इनसाइड कैंडल मिले और वहाँ एक रिवर्सल प्लान हो तो आप वहां से शॉर्ट कर सकते हैं ठीक है मार्केट को एंड वन मोर थिंग हमारा जो कोर्स है उसमें यह वाली चीज इंक्लूडेड है यह सारी चीजें इंक्लूडेड है कि अगर प्रीवियस डे एक ट्रेंडिंग डे होता है तो नेक्स्ट डे का प्राइस एक्शन किस तरीके से बनेगा अगर प्रीवियस डे एक रेंज बाउंड होता है तो नेक्स्ट दिन का प्राइस एक्शन किस तरीके से बनेगा सो so ये वाली सारी चीजें मैंने इंक्लूड करी और उसमें मैंने कोर्स में स्पेशली चीजें बताई है आई कांट शो यू द पी बट उसमें मैंने स्पेशली ये वाली चीजें बताई है कि अगर आपको स्ट्रेट इस तरीके से वन साइड मूव मिलता है तो नेक्स्ट डे आप कब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ठीक है और वो सेम सेटअप के बेसिस पर मैंने यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसकी क्लाइव वीडियो भी है बट वो कोर्स uh, के लिए है ठीक है क्योंकि इस बेसिस पर मैं एक लाइव वीडियो पहले भी पब्लिक चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ तो आप वो देख सकते हैं ठीक है यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया था कि ये एक डब एम पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और ये बैंक निफ्टी में एम पैटर्न था ये आपको दिया था जब ये बनने लगा था तब आपको एम पैटर्न दिया था अब इसकी साइकोलॉजी समझो एम पैटर्न की मार्केट ने क्या किया मार्केट ऑलमोस्ट कल एक वन साइडेड मूव था उसके बाद गैप अप होता है दोबारा से अपना मूव कंटिन्यू करता है उसके बाद इतने जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट ने एक बेस बनाना शुरू किया मार्केट फॉम्डा बेस और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस बेस का ब्रेकडाउन यहाँ पे आया ठीक है इस कैंडल के साथ टेन ट्वेंटी फाइव पे उसके बाद मार्केट ने क्या किया वन टू थ्री जो तीन कैंडल मार्केट ने बनाई इससे हमें पूरा पूरा ये पता चल रहा है कि सेलर्स में पावर नहीं है इतनी यहाँ तक हमें यही पता चला क्योंकि मार्केट बहुत धीरे धीरे आ रही है उसके बाद क्या होता है एक फाइव मिनट पे बुलिश एंड कैंडल बनती है इतनी बुलिश एंड कैंडल इस पर आप क्या सोचते हो इतनी बड़ी अगर बुलिश एंड कैंडल मिलती है कि पिछले जो चार कैंडल है वो इसने कवर कर लिया तो इसका मतलब ये वाले जो सेलर्स है वो ट्रैप हुए लेकिन इसके कॉन्टिन्यूएशन पर हम डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते नेक्स्ट कैंडल देखो अब आप नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने क्या किया उसके बाद इस वाले कैंडल का लो ब्रेक किया यानी जब ये सेलर्स यहाँ पे आए उसके बाद एक बुलिश एंड कैंडल में बायर्स एंट्री किए अब इस बायर्स का एस एल कबिट हुआ जो मार्केट ने गिर के यहाँ पे जो है यहाँ यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया इसका मतलब यहाँ पर आज जो एक वीडियो रिकॉर्ड हुई इस सेटअप को समझाने के लिए उसकी मेरी एंट्री भी यही थी आई एम औरली टेलिंग यू एंट्री यहाँ थी एस एल इस ऑपोजिट कलर कैंडल पर था आप इसको ये मैं आपको साइकोलॉजी समझा रही हूँ वैसे भी आप इसको नॉर्मली समझ सकते हो कि दिस इज़ द एम पैटर्न एम पैटर्न का ब्रेकआउट ऑपोजिट कलर कैंडल इसका लो निकलेगा हमें एंट्री करनी है इसका हाई हमारा एस एल होगा लो निकला उसके बाद आपको यहाँ तक बहुत ईजीली टारगेट मिल गए थे अगर आप स्केल्प कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सेवेंटी एट्टी परसेंट के टारगेट यहाँ पे थे उसके बाद आपकी रेस्ट क्वान्टिटी जो आपको छोड़नी होती है डे एंड तक और मेनली आप ओन कोस्ट लगा के जो क्वांटिटीज छोड़ देते हो वो आपकी हेल्प करेगी होल्डिंग पावर बढ़ाएगी तो वो यहाँ तक पूरा मार्केट चौपिरा रहा और डाउन साइड तक ही मोमेंटम रहा ठीक है सो तो ये पूरी साइकोलॉजी थी इसके पीछे सेम निफ्टी में भी था निफ्टी में बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बना बहुत सारे लोगों ने इस ब्यूरिश एंड पर ट्रेड प्लान किया ब्य एंड ट्रेंड लाइंस ना आपको बहुत जल्दी एंट्री और देती है यानी कि आपको रिस्क की एंट्रीज देती है बट शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न फॉर्मेशन आपको कन्फर्म एंट्री देता है अब अगर आप यहाँ पर भी जाके देखते हो तो, तो दिस इज द एम पैटर्न इसका ब्रेकआउट आया डाउन साइड में हमें क्या करना है हमें तो सिर्फ ऑपोजिट कलर का कैंडल देखनी है हमें ऑपोजिट कलर कैंडल मिली यहाँ पे इस का लो निकला यहाँ पर एंट्री अब डाउन साइड में आप जो है डायरेक्ट एक जो मूवमेंट है वो देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे एक वन साइडेड मोमेंटम आया है उसके बाद फिर उसके बाद निफ्टी में पूरा फोल ही रहा है यानी जहाँ तक आप चाहते थे वहाँ तक इस चीज़ को होल्ड कर सकते थे बीच में प्राइस एक्शन बना भी डाउन साइड में लेकिन पूरा ब्रेकआउट डाउन साइड में हो गया अब हमेशा याद रखना अगर कभी भी एक वन साइडेड का फोल आ रहा है तो उसमें जितने भी ये बुलिश पैटर्न बनेंगे ना ये वर्क नहीं करेंगे करेंगे भी तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाती हूँ अगर फोल कभी भी इस तरीके से शुरू हुआ है और बायर्स की ट्रैपिंग हो चुकी है बायर्स का ट्रैपिंग इसका मतलब बायर्स का ट्रैपिंग का मतलब है कि जो डे लो है मार्केट ने वो निकाल दिया ये जो बायर्स थे वो हो चुके हैं जो ये वाला फोल था वो भी आ चुका है यहाँ पर अगर आप देखोगे ना ये छोटा सा डब्लू पैटर्न बना इसका ब्रेकआउट भी आया इसमें आपको इनसाइड कैंडल भी दिख रही होगी लेकिन इन कैंडल का कॉन्टिन्यूएशन नहीं मिला और फिर मार्केट दोबारा से डाउन साइड में सो ऐसा मार्केट में होता है जो वन साइडेड मूवमेंट आ रहा होता है और बेस बनता है तो उसका ब्रेकआउट भी आता है मार्केट में लेकिन वो फेल हो जाता है ठीक है सो इस तरीके से आज के प्राइस में लर्निंग्स थी ये हमारे थे ठीक है अब बहुत सारी चीजें और हैं जो आज ईओडी में शेयर होंगी आप पी ओडी ज्वाइन कर सकते हैं पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं तो अभी उन सारी चीज़ों पे ऑफर भी है नाउ अब हम पहले फिर निफ्टी का एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए क्या रहेगा सबसे पहले मार्केट बिल्कुल एक वन साइड मोमेंटम में था ठीक है एंड हमारे लिए सबसे और इम्पॉर्टेंट जो आज का लो है वो हमारे लिए कल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला है ठीक है सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और अब उसके बाद अगर आप देखते हो तो इसके ऊपर का जो प्राइस एक्शन यानी इसके ऊपर जो मार्केट है हमें यहाँ पे बुलिशनेस सबसे ज़्यादा तो अपने आज के डे हाई के ऊपर दिखेगी इस लो के नीचे हमें ब्यरिशनेस दिखेगी मार्केट में ठीक है लेकिन अभी भी ये वाला जो लेवल है ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा यहाँ पे क्योंकि यह वो लेवल है जो काफ़ी टाइम के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था इतने दिनों के बाद ठीक है तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बनने वाला है यहाँ से प्राइस अगर टर्न करता है क्योंकि आप जो देख रहे हो यहाँ पे मार्केट अगर धीरे धीरे गिर रहा है तो मार्केट बेवकूफ़ बना रहा है मार्केट गिरा धीरे 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 है अगर कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है और इसी रेंज में हमें कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखता है तो हम अपसाइड के लिए बाय कर सकते हैं बीच में कहीं पर भी ओपन होगा तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा या तो यहाँ तक जाने के लिए या तक यहाँ पर जाने के लिए तो सपोर्ट पर चाहे रसिस्टेंस पे चाहे बेचने खरीदने के लिए हमें लोकेशन चाहिए ना तो हमें लोकेशन पर जाने देना पड़ेगा अगर okay, इस लोकेशन के बाद इसका ब्रेकआउट आता है अपसाइड ही तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे डाउन आता है तो डाउन के लिए प्लान करेंगे दिस इज लो एंड जो हाई है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा इसके बीच में ये सारे ही लेवल रहेंगे जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा चोपी हुआ है हमें वही एंट्री करनी है सी अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो आपके लिए रेंज बनना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज के टाइम पे हमें पेशेंस रखना पड़ेगा ये लेवल्स हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल जोन है इधर मत करना कल चार्ट भी शेयर हो जाएंगे इसके ऊपर बाइंग ठीक है इसमें कुछ पैटर्न बनता है तो इसमें हम बाइंग ले सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा बायर्स आएंगे इसके नीचे सेलर्स आ जाएंगे ये जो यहाँ पे लेवल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है क्योंकि काफ़ी टाइम का ब्रेकआउट है ये वाले सारे लेवल्स यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बनेंगे जिन लेवल का काफ़ी टाइम के बाद जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है सेम अगर आप निफ्टी में जाके समझते हो तो निफ्टी के चार्ट के साथ भी हमारा यहाँ पे सेम प्लानिंग रहेगी लेकिन निफ्टी में हमारा जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पास में है अगर आप ये देखते हो तो आज का जो ये सपोर्ट था जिसके ऊपर निफ्टी ओपन हुआ था वहाँ से पूरा एक वन साइडेड फूल आया अब फोल भी देख रहे हो आप किस तरीके से आया बहुत सिंपल साइकोलॉजी है इतने टाइम से यहाँ से सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे आज गैप अप की वजह से मार्केट ऊपर गया लेकिन जितने जिस लेवल से ऊपर गया और जब उस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद जहाँ पर ऑपोजिट कलर कैंडल दिया उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट करना था ठीक है एंड ऑफ द डे आपको ये चीज़ें समझ आएगी लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप लाइव मार्केट में ये चीज़ें समझो ठीक है इस वाले प्राइस एक्शन को आप फॉलो करो सो so, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कल के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है आज का लो जो है निफ्टी का वो प्रीवियस डेज में दो तीन दिन का लो है तो जब ये लो निकलेगा तो हमें नीचे शार्प फॉल देखने को मिल सकता है बाइंग इस लेवल के ऊपर है क्योंकि इस लेवल तक पहुंचने के लिए निफ्टी ने इतना ट्राई किया लेकिन फिर भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है ये पूरा लेवल जो है इसके सिर्फ रसिस्टेंस एंड सपोर्ट यही है तो हमारी बाइंग लेवल यही बनना चाहिए बीच में अगर प्राइस कहीं पर भी मिलेगा तो हमें रसिस्टेंस या सपोर्ट तक जाने का वेट करना है सो आई थिंक आई हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स नाउ सो विद दिस थैंक यू सो मच प्रोफेशनल ट्रेडर एंड हैपी फैंशियल लिटरेसी